डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक का हिंदी संस्करण निर्भीक प्रशासन का लोकार्पण 9 जून 2022 को स्मिता प्रकाश संपादक ANI द्वारा हुआ। जनवरी आकांक्षाओं के प्रति जनादेह न्याय संगत प्रशासन का व्यवहारिक पक्ष इस पुस्तक से सामने आता है। इस अवसर पर ANI की संपादक सुश्री स्मिता प्रकाश ने कहा, निर्भीक शासन पुडुचेरी में डॉक्टर किरण बेदी के काम के सबूत के साथ एक नई तरह की प्रकाशन शैली है। यह एक जीवित किताब है। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में लाखों लोगों के जीवन को अपने काम से संवारा। सर्वेंट को बोलो दफ्तर से काम शुरू मत करें, फील्ड से करें। यह है क्रक्स। मानव एजुकेशन सेक्रेटरी है, एक स्कूल से शुरू करें, 9 बजे निकल के और सीधा स्कूल जाए। किसी स्कूल में अनअनाउंस्ड, अगर अनअनाउंस्ड स्कूल, सारे स्कूल के बाथरूम साफ होंगे, सारे स्कूल के टीचर्स हाजिर होंगे, सारे स्कूल के मिड डे मील्स ठीक होंगे, सारे स्कूल की हाजिरी बेटर होगी। होता ही है, कोई इंस्पेक्शन का कल्चर नहीं है। तो एक ये कि अगर सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऊपर से लेके नीचे तक, तो जब सेक्रेटरी करने लग जाएंगे तो इंस्पेक्टर तो निकलेगा ही नहीं, तो क्या हाजिर हो जाएगा। सिमिलरली DGPs, अगर DGPs एक थाने में रोज निकल जाए, रोज सुबह किसी एक पुलिस स्टेशन में, सारे ही सारे थाने सेट राइट हो जाएंगे, अटेंडेंस बेटर हो जाएगी, रोल कॉल बेटर हो जाएगी, ब्रीफिंग बेटर हो जाएगी, जेलों में वहां कैदियों में कोई गलती नहीं होगी क्योंकि DG कहीं भी जा सकते हैं, राइट, उनकी बैरिक साफ हो जाएंगी। सिमिलरली हेल्थ सेक्रेटरी को ले लो, एक डिस्पेंसरी ले लो रोज सुबह। जब सारे सेक्रेटरी, और दिल्ली के LG ने तो शुरू यही किया, पिछले 4-5 दिन से मैं रोज अखबार में पढ़ रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं फील्ड में निकले हुए हैं। और मैंने 3 दिन हुए पहले ये पढ़ा था, उन्होंने अपने सारे अफसरों को भी बोला है, दफ्तर से नहीं फील्ड से काम शुरू करो रोज, फिर जाओ दफ्तर। अगर ये हो जाए दिल्ली, तो दिल्ली बदल जाएगी। मैं रोज सुबह 8 बजे घर से चली जाती थी, रोज सुबह 8 बजे मुझे सड़कें खुद नहीं आती थी दिल्ली की, मैं तो अमृतसर से आई थी और दिल्ली मेरे लिए बड़ा बढ़िया था। मैं तो खुद कनॉट प्लेस की चक्कर काटती रहती थी, कौन सी सड़क कौन सा लूं, इंडिया गेट में कौन सी सड़क लूं, स्कूटर चलाती थी उन दिनों में। तो ऐसे मुझे चार्ज मिल गया कि ट्रैफिक संभालो। मैंने गवर्नर साहब को बोला तब खुराना साहब थे कि सर मुझे दिल्ली की ट्रैफिक नहीं आती है, मुझे क्यों काम दे रहे हो एशियन गेम्स का। बोले नहीं नहीं तुम नहीं करना है। तो व्हेन दिस इज नॉट, अब मैं सड़क कैसे समझूं, मैं कैसे इनको गाइड करूं जब मैं खुद नहीं सड़कें जानती SDC की ट्रैफिक। तो सुबह मैंने नक्शा लेना, सीट पे बैठना, ड्राइवर को बोला घुमा साउथ दिल्ली दिखा, अब ये सड़क है, अच्छा अरबिंदो मार्ग है, ये कनॉट प्लेस है, कोटलिया मार्ग है, अच्छा आज साउथ है, चल अगले दिन नई दिल्ली चले, पुरानी दिल्ली चले, ईस्ट दिल्ली। मैंने हफ्ते के बीच में नक्शे को समझा, अपनी सड़कों को समझे, लेकिन सड़कों को समझे समझे स्मिता आई सॉ द प्रॉब्लम्स ऑन द रोड। तो मैं धक्के मारती रहती थी, बस गिरी हुई है, उल्टी हुई है, ट्रक उठका हुआ है, तो मैं निकलती थी, मेरे पास ड्राइवर में एक ऑफिसर, मैंने लड़की रखी शकुंतला मेरी ऑपरेटर, हम दोनों दिन बस को धक्के मारते रहे। मैंने कहा ये मेरा काम है क्या, किसी को ट्रैफिक रोज मैं फंसे ही हटाऊं ट्रक ही हटाऊं, क्योंकि हटी हुई है, लोग फंसे हुए हैं, जैम लगा हुआ है। मैंने कहा कहां फंस गई। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा या शकुंतला से पूछा, ये इसका इलाज क्या है। बोली मैडम क्रेन है इसका इलाज। अच्छा क्रेन है इलाज, क्रेन क्या होती है। तो बोले क्रेन है। मैं क्या है मैडम, हाँ है मैडम, दो है, दो एक तो है वर्कशॉप में और एक है लाइन में, लेकिन मैंने कहा उसका ड्राइवर ढूंढ नहीं है। अच्छा तो फिर आई, अब मैं क्या फंस गए, टीसी की ट्रैफिक, सड़क में चला नहीं सकती, जैम है, रोज धक्के मारू आके, ये कौन सा जॉब मिल गया मुझे, कौन सी नौकरी मिल गई। तो मैं सोचती रही, फिर मैंने अपने ऑफिसर से बात की कि इसका इलाज क्या है। मैंने आपको बोला ना, फील्ड में जाओ प्रॉब्लम पता चलती, दिमाग में आता है कि सोल्यूशन का है, सोल्यूशन जब ढूंढने लगे। तो मैंने ऑफिसर से बात की, मैं टीम वर्क बहुत करती थी, प्रवीण वगैरह हम लोग एक दूसरे से सीखते थे, जैसे मैंने कहा ना सीख सीख के काम। तो उन्होंने कहा मैडम क्रेने तो नहीं है लेकिन प्राइवेट क्रेने हैं। मैंने कहा शाबाश, कहाँ है वो। बोले मैडम सारे प्राइवेट क्रेनों के पास एक एक दो दो है। मैंने कहा उनको 5 बजे मेरे ऑफिस में बुलाओ, हिसाब दे मुझे कितनी क्रेने हैं, और कल से वो क्रेने ट्रैफिक पुलिस की। तो
तो बोले वो मैं कहा कमाएंगे कैसे, मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो गाड़ी उठाएंगे वो खर्चा उनको, जो चलान करेंगे वो पैसा में, तो हर उठाने की गाड़ी का खर्चा उनको मिल गया। वो तो खड़ी थी, अब हमने उनको गाड़ियां ही गाड़ियां दे दी और उनको ये शर्त दी कि तुमने वही उठानी है जो हम कहे, ये नहीं उठाते जाओ जी, तो वही उठानी है, तो वो मान गए क्योंकि उनको बिजनेस मिल गया, उनको मिल गया बिजनेस, हमको मिले डर और दिमाग, और ऊपर से लगाया माइक और ताप हटा लो वरना आ रहे। ओ तो रिक्शा वाला चलता चलता ये क्या हो रहा है, बोले ये क्रेन बेदी आई है, तो रिक्शे वाले ने मेरा नाम डाला, तो बड़ा उल्टा उठता चला गया। लेकिन उसी क्रेनों में सो मेरे पास जीरो क्रेन से उस वक्त उन दिनों में 16 क्रेनें हमारी हो गई बिना कुछ खर्चा करे। तो इस भाव से अब जगह जगह क्रेन लगेगी, उसमें तो फिर कोई भी नहीं छूटा। मेरी ननद की भी गाड़ी उठ गई, सीबीआई डायरेक्टर की भी उठ गई और प्रधानमंत्री की भी। सर मैम आपको सही बताऊं, मेरे फादर की भी गाड़ी आपने उठाई। Okay, there's a little boy out there who wanted to ask.